इस वाले सगोड़ी की मैंने पूरी लाल मिर्च निकाल दी है, अब काटते हैं तिल। तो मम्मी यहाँ पे तिल काटने लगी है। जैसे ही मम्मी ने यहाँ पे तिल की अच्छी तरह से पूरी बना दी है, पहले यहाँ पे रखा हुआ था मम्मी ने तिल, तिल की टहनियाँ भी हमने काट ली हैं और छोटी छोटी पूली भी मम्मी ने यहाँ पे बना दी है। और जड़ से ना जो बचा ना ये वाला, तो मैंने ये, तो अभी मैंने यहाँ पे ना इतनी मिर्च निकाल दी है मैंने और मम्मी ने मिलकर कुछ। मैं सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है मोनिका, मैं हूँ उत्तराखंड देवभूमि केदार घाटी के एक छोटे से गाँव रैल गाँव से। स्वागत है आपका मोनिका केदार घाटी ब्लॉग में और केदार घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग शाम की 4 बजे से हो रही है और मेरी आवाज़ थोड़ा आप लोगों को बदली बदली दिखाई दे रही होगी क्योंकि मेरे को जुकाम लग गया है, गला दर्द हो रहा है। तो अभी हम आ रखे हैं यहाँ खेतों में। यहाँ हमने धान की बुआई कर रखी थी, धान तो हमने काट लिया था लेकिन अब बच रखे हैं यहाँ सिर्फ तिल। अभी ना हम घर के इधर की साइड खेत में आ रखे हैं तो यहाँ ना तिल बच रखे हैं। और तिल देखिए, हम ना ऐसे झाड़ते थे भाई तिल को, ये देखिए कुछ कुछ तिल झड़ रहे हैं, काफ़ी सारे कुछ इस तरह से। और तिलों का ना तेल भी होता है, ये हैं काले तिल। तो इधर की खेत में ना सिर्फ तिल बच रखे हैं काटने के लिए, तो अभी हमें ना ये तिल काटने हैं पूरे उधर तक। बाकी हमने ना ये घास भी नहीं काटा है तो घास भी काट लेंगे धीरे धीरे। देखिए खेत भी खाली होने लग गए हैं, ऊपर देखिए लोगों ने न्यार काट के ऐसे सुखाने के लिए डाल रखा है खेतों में ही, और वो भी अच्छी तरह से सूख गया है। बाकी इधर की साइड न्यार काटना बाकी है। लोगों ने यहाँ दाल वगैरह दूर दूर तक किचन गार्डन करके हैं और हमारा भी यहाँ पे किचन गार्डन है। और हमने यहाँ ना मिर्च लगा रखी थी, तो पूरी मिर्च की जो पौधे है ना, तो जो मिर्च हैं वो भी पक गई हैं, तो ये बीज के लिए ले जाएंगे हम घर। ये देखिए भाई लाल हो रखी है पूरी, तो मम्मी निकाल रही है यहाँ पे मिर्च को। यहाँ खेतों में काफ़ी दिनों बाद आना हो रहा है, तो मिर्च देखिए कुछ इस तरह से नीचे घिर रखी है। और सुअरों का तो आतंक बोले ही क्या भाई, हमारा भी नुकसान हो रखा है। तो आप लोगों को थोड़ी देर में बताते हैं क्या नुकसान हुआ हमारा इधर की साइड। और कुछ हरी मिर्च भी देखिए नीचे वो और की हैं घिर रखी हैं, और कुछ देखिए लाल मिर्च पूरी तरह से पक गई है, थोड़ा हाथ लगाओ तो नीचे झड़ रही है। तो अभी मैंने यहाँ पे ना इतनी मिर्च निकाल दी है मैंने और मम्मी ने मिलकर। कुछ मैंने हरी मिर्च भी निकाल रखी है, साथ में ना घर में ना मसाले पीसने के लिए हो जाता है। मम्मी के स्वेटर में रख रखी है मिर्च, क्योंकि हम थैली लाना भूल गए घर से। वाले सगोड़ी की मैंने पूरी लाल मिर्च निकाल दी है, अब काटते हैं तिल। तो मम्मी यहाँ पे तिल काटने लगी है। जैसे ही मम्मी ने तिल यहाँ पे रखा ना, पूरे तिल देखिए झड़ने लग गए हैं। अच्छा हुआ हम ये लागे, ये देखिए भाई तिल कुछ इस तरह से झड़ रखे हैं। तिल की टहनियाँ भी हमने काट ली हैं और छोटी छोटी पूली भी मम्मी ने यहाँ पे बना दी है। और जड़ से ना जो बचा ना ये वाला, तो मैंने ये उखाड़ दिया है कुछ इस तरह से। और इसको ना हम, इसको भी हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसको हम डालेंगे यहाँ केले की पौध में, क्योंकि केले की पौध में भी काफ़ी सारा कबाड़ वगैरह चाहिए होता है। अब तो यहाँ पे काफ़ी सारे पेड़ आ गए हैं केले के छोटे छोटे, उनके साथ 2-3 पेड़ काफ़ी बड़े हैं और एक केला ये रहा यहाँ पे, तो इस पे भी केले लगे हुए हैं अगर पक्षियाँ रखेंगी तो। और इस केले को ना हम घर तब ले जाएंगे जब ये फूल अच्छी तरह से वो हो जाएगा, गिर जाएगा नीचे कुछ इस तरह से, तब इनको हम घर लेके जाएंगे। तो मम्मी ने यहाँ पे तिल की अच्छी तरह से पूरी बना दी है, पहले यहाँ पे रखा हुआ था मम्मी ने तिल, और तिल देखिए कुछ यहाँ पे झड़ भी रखे हैं, ये देखिए ये पहाड़ी तिल। तो अब यहाँ पे अच्छी तरह से भारी लगाएंगे।
लगी हुई है तिल काटने पे, लेकिन मेरे को ना तिल की जो पौध है ना यहाँ पे, तो मुझे ये उखाड़ के उधर के लेके पेड़ पे डालनी है। तो चलिए जी फटाफट से तिल की पौध उखाड़ते हैं, और ये घास भी है तो पहले ये उखाड़ लेते हैं फिर घास काटेंगे। तो चलिए जी खेतों में अंधेरा भी हो गया है, थोड़ा बहुत घास काट के हमने यहाँ पर डाल रखा है, कल की धूप पे ही अच्छी तरह से सूख जाएगा। अगर मौसम ठीक रहा तो अंधेरा भी होने वाला है, बाकी ना रात में सुअरों का ज़्यादा डर रहता है यहाँ खेत में। देखिए भाई यहाँ नीचे कैसे कर रखा है रिंगाल वगैरह, बाबरे तो डर भी लग रहा है। बाकी मम्मी ने यहाँ पर भारी भी लगा दी है तिल की, और एक पुली मैं ये ले जाऊँगी घर। तो चलिए जी खेत से घर भी आ गए हैं, और अब चलते हैं ऊपर लकड़ी वाले किचन में। मैंने तो गौशाले का काम किया और मम्मी के पास ना तिल की भारी थी, और मम्मी देखिए भाई यहाँ खाना बनाने पर लगी हुई है, डिनर की तैयारी कर रही है मम्मी। मम्मी क्या बन रहा है डिनर में आज? हाँ आलू हाँ सब्जी बन रही है, और गेहूँ की रोटी। सुबह शाम तो पहाड़ी लोग रोटी खाते हैं, और दिन में चावल खाते हैं। तो मम्मी ने यहाँ पर सब्जी भी काट ली है, सब्जी बनेगी कद्दू और आलू की, साथ में कढ़ाई भी चूल्हे में रख दी है, ये भी गर्म हो जाएगा, और यहाँ पर आटा भी ला गई है। तो चलिए जी मैं तो आटा गूंथूंगी, बाकी मम्मी की ड्यूटी है सब्जी बनाने की। तो चलिए जी यहाँ पे सब्जी भी बनके तैयार हो गई है, जब तक मम्मी ने सब्जी बनाई तब तक मैंने यहाँ पे आटा भी गूँथ के तैयार कर दिया है। आज बनेगी रात में गेहूं के आटे की रोटी, जो कि हमारे घर के गेहूं है जो कि हमने चक्की में पीस रखे हैं। तो आटा भी गूँथ लिया है, अब बनाते हैं रोटी। तो चलिए जी यहाँ पे थोड़ा और लकड़ियाँ लगाएंगे, क्योंकि अच्छी तरह से कोयले हो जाते हैं चूल्हे में, जिससे कि रोटी जल्दी जल्दी पक जाएंगी। तो चलिए जी अब रोटी बनाते हैं गर्मा गर्म।